तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में ना एक न्यू टीजर सामने आया है बजाज कंपनी की तरफ से उनके ही अपकमिंग NS200 के ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल का। वैसे वो जो टीजर है ना, तो वो टीजर देख के ही भाई मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ही लगा था और मुझे भी लगा था कि ये जो टीजर है तो ये NS400 का होने वाला है। बाकी हाँ, अभी के रेट में यही कुछ रूमर सामने आए हैं कि ये जो टीजर है ना तो ये NS200 का होने वाला है, वो भी न्यू जनरेशन वाले मॉडल का। और इसके बारे में आगे हम लोग बात करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो दोस्तों अभी रेट में एक न्यू टीजर सामने आया है बजाज कंपनी की तरफ से और रूमर के अकॉर्डिंग ये जो टीजर है ना तो ये बजाज कंपनी का ही अपकमिंग NS200 का ही न्यू जनरेशन वाले मॉडल का है। वैसे दोस्तों ये जो टीजर है ना, तो ये देखने के बाद मेरे जैसे बहुत सारे लोग, इवन मैं भी यही गलती किया था कि ये जो टीजर है तो ये देखने के बाद मुझे कुछ यही लगा था कि ये जो टीजर है तो इसके अंदर बजाज पल्सर NS400 होने वाला है। लेकिन जो भी है भाई, अभी रेट में एक न्यू रूमर सामने आया है कि ये जो टीजर है तो ये बजाज पल्सर NS200 के ही एक न्यू जनरेशन वाले मॉडल का है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा पहले बार जो कुछ चेंजेस। तो उसके अंदर सामने तो भाई ये जो LED लाइट्स देख ही सकते होंगे, या फिर इस वाले बाइक का जो लाइट्स का सेटअप है ना तो वो आपको LED के ही अंदर देखने को मिलेगा, ऐसा भी बोला जा रहा है। वैसे अभी के रेट में ये भी कुछ एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो न्यू बजाज पल्सर NS200 जो आएगा ना, तो उसके अंदर आपको जो मीटर कंसोल है तो उसके अंदर आपको एक पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसमें आपको ब्लूटूथ नेविगेशन कनेक्टिविटी से लेके जो गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर और इसके अलावा ओडोमीटर ट्रिप मीटर, तो ये सारा कुछ चीजें देखने को मिलने वाले हैं। वैसे तो भाई बहुत समय पहले ही ये जो बजाज पल्सर NS200 है तो इसके सामने आपको देखने को मिल गया था, सामने USD फोक्स और पीछे मोनोशॉक एब्जॉर्बर। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम भी भाई बहुत समय पहले से ही जो चलते हुए आ रहा है, तो वो है भाई डिस्क ब्रेक के साथ में ABS, मतलब कि डुअल चैनल ABS। और इसके अलावा तो ये भी कुछ सीन है कि ये जो बजाज पल्सर NS200 का जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, तो इसके बारे में यही कुछ बोला जा रहा है कि इसका जो न्यू इंजन है तो उसके भी अंदर आपको पावर में जो है तो वो कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब कि पहले के तरह जो इंजन है ना, तो वो एक 4 वाल्व वाला सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल वाला इंजन देखने को मिलेगा 200cc का, जो कि मैक्सिमम पावर जो प्रोड्यूस करने वाला है ना तो वो है लगभग 24.5 bhp के अंदर। और इसके ही साथ-साथ इसके अंदर आपको जो मैक्सिमम टॉर्क है ना, तो वो भी 19 Nm के आसपास का कुछ देखने को मिलेगा। और इसके अलावा 6 speed का जो गियर बॉक्स है तो वो भी कुछ देखने को मिलेगा। बाकी ये भी कुछ सीन है कि ये जो न्यू गियर बॉक्स का सिस्टम है ना, तो इसके साथ में आपको जो असिस्टेंस स्लीपर क्लच वाला जो सिस्टम है तो ये भी कुछ देखने को मिलेगा, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा ये भी कुछ बोला जा रहा है कि ये जो USB चार्जिंग पोर्ट है ना, तो ये भी कुछ देखने को मिलने वाला है ये न्यू बजाज पल्सर NS200 में, ऐसे ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी ये जो मॉडल है तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है इसी 2024 साल के ही शुरुआती महीनों में जो है तो वो लॉन्च होने वाला है, मतलब कि अगले 1-2 महीने के अंदर अंदर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियो हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।